जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है मई 2017 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से नौवें स्थान में है, भाग्य स्थान में। सूर्य ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। 14 मई 2017 तक सूर्य ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान में चलेंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ हैं। 14 मई 2017 के बाद सूर्य चलेंगे आपकी राशि से दसवें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ हैं, राजयोग कारक हैं। तो ये मंथ के अंदर भाग्य वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे अन्य और ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उसके पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र सिंह राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यदि आपके जन्म के सूर्य भी सिंह राशि में है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कोई भी मंथ के अंदर आपका जन्म 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हुआ है और जन्म के सूर्य आपके सिंह राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों सिंह राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको जबरदस्त असर करने वाला होगा। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल और अपने मित्रों को और स्नेहियों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये प्रेडिक्शन आपको उनको जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप, गूगल प्लस इत्यादि माध्यम से, फेसबुक इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह राशि से अष्टम स्थान में चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। मंगल ग्रह का भी भ्रमण दसवें स्थान के अंदर है, जो भी बिजनेस में कारोबार में तरक्की करवाने वाले हैं। मंगल 26 मई से चलेंगे आपके 11वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, जमीन से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये मंथ भी आपके लिए बहुत शुभ है। और ख़ास करके कौन कौन से डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं। 1, 2 और 3 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में, तो कर्क के जो चंद्र हैं वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और डेट्स आपको टेक केयर करना है 21, 22 और 23 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में भी आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्रेडिक्शन सिंह राशि का मई 2017 का। यदि आपके कोई मित्र है सिंह राशि वाले तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।